पाकिस्तान सीरीज जीत गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को पिछाड़ दिया। 301 रन का हदफ ग्रीन शर्ट्स ने एक गेंद पहले पूरा किया। इमामुल हक और बाबर आजम ने दूसरे विकेट की शराकत में 120 रन बनाए। नसीम शाह ने विनिंग स्ट्रोक खेला। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का आखिरी और तीसरा मैच कोलंबो में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने 6 चौकों की मदद से 53 रन बनाए। फजल हक फारूकी की गेंद पर हशमतुल्ला ने उनका कैच लिया। दूसरे वनडे में शाहीन शाह आफरीदी की शानदार बॉलिंग, 10 ओवर्स में 58 रन देकर दो खिलाड़ियों को आउट किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात से इनकार। सदर ने सेक्रेटरी वजारत कानून को खत लिखकर राय मांग ली। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में तरमीम के बाद सदर से मुशावरत का इख्तियार खत्म हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को जवाबी खत। खत के मतन के मुताबिक सदर इलेक्शन की तारीख तब देते हैं जब वो खुद असेंबली तहलील करें। सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। सदर आरिफ अलवी ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुलाकात की दावत दी थी। निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की हिमायत कर दी। इलेक्शन कमीशन जिस तारीख का ऐलान करेगा उस पर इंतखाबात कराएंगे। निगरान वजीर इत्तलात का वाज़े ऐलान। कहा इलेक्शन कमीशन ने एक मौकिफ इख्तियार किया है, हम इसके पीछे खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मौतल ना हो सकी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत आज फिर होगी। वकील लतीफ खोसा ने दलाल में कहा सेशन कोर्ट के फैसले में बहुत खामियां हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया। सेशन कोर्ट का रवैया ऐसा था कि हाईकोर्ट जो मर्जी कहती रहे हम नहीं मानते। क्या ट्रायल जज का ऐसा रवैया ठीक है? ये हाईकोर्ट ने देखा है और देखना है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर एतराज उठा दिए। अमजद परवेज ने कहा चेयरमैन पीटीआई की अपील में स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्टेट को अपील में फर्क बनाने की जरूरत क्या है? अमजद परवेज ने कहा सजा याफ्ता शख्स अब स्टेट की कैद में है इसलिए फरीक बनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हाईकोर्ट का फैसला आने तक समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने कहा हाईकोर्ट केस सुन रही है, उसका इंतजार करें, देखेंगे हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। मुमकिन है इस्लामाबाद हाईकोर्ट रिलीफ फराहम कर दे। जेल में चेयरमैन पीटीआई को किस हालत में रखा गया है? वफाकी हुकूमत जेल में दी गई सहूलियात से मुतालिक तहरीरी जवाब दे। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मजिस्ट्रेट से लेकर हाईकोर्ट तक हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। कोई भी अदालत खुद को सुप्रीम कोर्ट के मातहत न समझे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला ना आने के सबब सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर मजीद समाअत ना हुई। अदालती अमले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते होगी। नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में बगैर किसी कसूर के इतनी सख्त सजाएं सुनाई गईं। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा क्या उस वक्त इस तरह का कोई सवाल आपने पूछा था या ये सब आपको चेयरमैन पीटीआई के लिए याद आता है? पिछली बार आपने तोशाखाना चोर को रेस्ट हाउस शिफ्ट किया, इस बार होटल कैसा रहेगा? जिस हालत में चोरों को रखा जाता है उससे बहुत बेहतर हालत में रखा गया। यह नवाज शरीफ की तरह इंतकाम पर मबनी सियासी मुकदमा नहीं, यहाँ चोरी सबूतों समेत पकड़ी गई। महीनों सफाई के मुतादिद मौके दिए गए मगर चीफ जस्टिस का लाडला उनकी नाक के नीचे अदालत से भागता रहा, तब क्यों ना बोले। लाहौर हाईकोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम को 6 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आइन के तहत इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए। अदालत के रिमार्क्स,
दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। नई हल्काबंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइमलाइंस हैं और उन टाइमलाइंस को कम करना इलेक्शन कमीशन के लिए मुमकिन नहीं। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल की निशानदेही, टाइमलाइन के मुताबिक नई हल्काबंदियों के लिए कम अज़ कम 4 माह चाहिए हैं। सवाल यह है, जून में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई तो CCI ने उस वक्त मंजूरी क्यों नहीं दी? इलेक्शन तो आइन के तहत 90 दिनों में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइनी मुद्दत 90 दिनों में तमाम इंतजाम कर सकता है, तो मामले को क्यों ताखीर का शिकार किया गया? जस्टिस आबिद अजीज शेख का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बरवक्त इलेक्शन करवाने के लिए आईनी दरख्वास्त दायर, दरख्वास्त गुजार ने अहम आईनी सवालात उठा दिए। दरख्वास्त के मुताबिक क्या मुश्तरिका मफादात काउंसिल का 5 अगस्त 2023 का इजलास आईनी था? क्या एपलेट फोरम की मौजूदगी में इजलास मुनक्किद किया जा सकता था? क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीरे आला इजलास में शिरकत के मजाज थे? क्या निगरान हुकूमत 90 दिन से ज़्यादा बरकरार रह सकती है? क्या इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन के आईनी हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए नई हल्काबंदियाँ शुरू कर सकता है? क्या पार्लियामेंट आइन में तरमीम के बगैर सदर के आईनी इख्तियार को कम कर सकती है? इंतखाबात की तारीख और हल्का बंदियों पर मुशावरत के लिए PTI और JUI रहनुमाओं के इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकातें। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने PTI ने 3 निकात पर अपना मौकफ पेश किया। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन मुहिम की इजाज़त होनी चाहिए। आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। PTI हर किस्म के तआवुन के लिए तैयार है। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हल्का बंदियाँ मुकम्मल करके इलेक्शन करवाना भी अहम मसला है। मरदमशुमारी के नतज की मंजूरी के बाद सूबों में वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ। तमाम सूबों को उनका हक दिया जाना चाहिए। हमने कमीशन को बताया नई मरदमशुमारी को कबूल किया जाए। उस वक्त कौमी असम्बली नहीं है। कोशिश की बलूचिस्तान के कौमी असम्बली की सीटों में इजाफा किया जाए। इलेक्शन कमीशन को हमने अपनी राय दी, जिससे कमीशन ने इतफाक़ किया। इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातों का ऐलामिया जारी कर दिया। अमरीकी सफीर की पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में कहा, मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी आवाम का काम। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को मजीद गहरा और वसी करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। तर्जमान अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक मार्केट में 300 रुपये के हद उबूर। ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपये इजाफे के साथ 314 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। ज़रे मुबादला के मजमूई मुल्की ज़खायर कम हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़रे मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते 12 करोड़ 48 लाख डॉलर की कमी। 18 अगस्त तक ज़रे मुबादला के सरकारी ज़खायर की मजमूई मालियत 7 अरब 93 करोड़ 5 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 58 लाख डॉलर की कमी। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 31 करोड़ 79 लाख डॉलर के ज़खायर मौजूद। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में तौसी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI की अपील, मौसम गर्मा के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। क्या आपके मौकिल हाईकोर्ट के हुक्म पर JIT में पेश हुए? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, JIT के सामने पेश हुए ना ही होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप पेश ना होने का तो कह सकते हैं, पेश नहीं होंगे ये नहीं कह सकते। ये फैसला अदालत ने करना है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमने इस केस में कुछ और सवालात भी सोचे रखे हैं। मुदई मुकदमा के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। क्वेटा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वकील अब्दुल रजाक एडवोकेट कत्ल केस की समाअत। अदालत की CTD को मुकदमे की बेहतर तफ्तीश करके शवाहिद इकट्ठे करने की हिदायत। मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद अबूरी चालान पेश करने का हुक्म। चेयरलिफ्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म भी शरीक। वज़ीर आज़म ने ईमानदारी,
और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वालों में एजाजी असनाद तकसीम की। मोहम्मद अली का नाम पुकारते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। वजीर आजम ने गले से लगाया और माथा चूम कर असनाद दी। ऑपरेशन में शरीक दीगर सिविल रजाकारों का भी पुरतपाक इस्तकबाल। चेयरलिफ्ट में फंसने वाले बच्चे भी तकरीब में शरीक। वजीर आजम ने शफकत से गले भी लगाया और सर पर हाथ रखा। बटग्राम चेयरलिफ्ट ऑपरेशन इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। वाकई पर कौम रंजीदा थी। वजीर आजम अनवारुल हक कहते हैं, मैं भी परेशान था। इंतहाई एहतियात से प्लान बनाया और कामयाबी से उस पर अमल किया। हमने मुल्क के मेमारों को बचाया। बटग्राम ऑपरेशन इंतहाई कठिन था। चेयरलिफ्ट हादसे की वजह से पूरी कौम परेशान थी। ये कामयाबी हम सब का क्रेडिट है। तमाम अफराद की इज्तिमाई दुआओं के नतीजे में हमें यह कामयाबी मिली। मौत को बहुत करीब से देखा। हालत ऐसी थी जैसे कब्र के किनारे खड़े हों। चेयरलिफ्ट हादसे में बच जाने वालों का कहना है, वालिदैन ने जिंदा देखकर कहा, बस अब आइंदा इस केबल कार में ना जाना। अगरचा हुकूमत ने सूबे भर में केबल कार पर पाबंदी आयद कर दी, लेकिन सड़क या पुल ना होने की सूरत में मजबूरन केबल कार के जरिए ही काम चलाएंगे। कराची में बिजली की बढ़ती कीमतों और लोड शेडिंग ने आवाम का पारा हाई कर दिया। टिम्बर मार्केट के ताजिरों ने बिजली काटने के लिए आने वाले के इलेक्ट्रिक की टीम की धुलाई कर दी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं, टिम्बर मार्केट के दुकानदारों ने के इलेक्ट्रिक की तीन गाड़ियों और अमले को यरगमाल बनाया। अमले को मीटर उतारने और जंपर काटने से मना किया। कराची की मार्केटों को के इलेक्ट्रिक के लिए नो गो एरिया बना देंगे। के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा बिजली काटने आया तो निशाने इबरत बना देंगे। बिजली की अदम फराहमी और कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में आवाम सरापाए एहतजाज। गुजरांवाला में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। कोटद्दू के शहरियों ने भी बिजली के बिलों में 5 रुपये 40 पैसे फी यूनिट इजाफा मुस्तरद कर दिया। शक्करगढ़ में मुजाहरीन ने रोड टायर जलाकर ब्लॉक कर दी। मुजाहरीन की हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बिलों में इजाफे को वापस ना लेने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पेशावर में भी लोडिंग और ओवरलोड शेडिंग की वजह से वोल्टेज कम की वजह से आवाम सरापा एहतजाज रहे। दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाली सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आरिफ आला और बहावलनगर में भक्का पतन पुल के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद बहावलनगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी मुतासर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल। वेहाड़ी में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों रिहायशी बस्तियां और हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें जेर आब आ गईं। सैलाबी पानी की वजह से कई घर गिर चुके। कीमती सामान पानी में बह गया। बुरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासर होने का खदशा। इंटर पार्टी इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को जवाब जमा कराने की हिदायत। इंटर पार्टी इलेक्शन 10 जून 2022 में हुए। 1 अगस्त को पार्टी आइन में तरमीम की गई। हम 2022 वाली तरमीम वापस ले रहे हैं। हमारे वकील से गलती हुई थी। वकील अली जफर के दलाल रुकने इलेक्शन कमीशन ने कहा, तरमीम की है तो फिर इलेक्शन करवाएं। आपने पार्टी का पूरा आइन ही तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम में डिसिप्लिन के हवाले से तहफ़ुज़ात के बाद ख्वाजा हारिस ने अलहदगी का फैसला किया। ख्वाजा हारिस ने केस की तमाम फाइलें चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम को भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की नुमाइंदगी सरदार लतीफ़ खोसा और दीगर वकला करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने ख्वाजा हारिस की पीटीआई की कानूनी टीम से अलहदगी की तरदीद कर दी। को गैर सियासी होना चाहिए और सियासत से हट के सिर्फ रूल ऑफ लॉ और कानून के दिए गए पैरामीटर्स के तहत ही काम होना चाहिए।
अदालतों को गैर सियासी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तोशाखाना में ऑब्जर्वेशन दी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हाईकोर्ट के मामलों में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को सजा सही हुई या नहीं हुई देखना होगा। हम नहीं चाहते अदालतों को मखसूस नामों से पुकारा जाए। पहले कोर्ट्स को शरीफ कोर्ट्स का नाम दिया जाता था। बेंच एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सहूलत आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। इदारे हैं तो हम हैं, उनकी तकरीम करना हमारा फर्ज है। तोशाखाना केस में पीटीआई चेयरमैन को नाजायज तरीके से सजा दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी टीम के अराकीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुएब शाहीन ने कहा, हुमायूं दिलावर ने बगैर हमें सुने यकतरफा फैसला किया। ये पहला क्रिमिनल केस है जिसमें मुलजिम कहे गवाह पेश करने हैं, जज कहे गवाह पेश नहीं करने देंगे। यह है कानून के साथ मजाक, यह है आइन की पामाली। आज सबके सामने इंसाफ का कत्ल अपनी आंखों से देखा। आज जानबूझकर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए ताकि बाकी केसेस की गिरफ्तारियां डाली जा सकें। बैरिस्टर गौहर बोले, जो आज इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, ये आइन कानून की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत है। सदर की आइनी जिम्मेदारियाँ भी हैं। इलेक्शन कमीशन का ये लिखना कि आपके पास इख्तियार नहीं है, ऐवान की तौहीन है। मुलाकात हर सूरत करनी चाहिए थी और ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए था। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को 9 मई के 6 मजीद मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का अस्करी टावर हमला केस, थाना शादमान नजर आतिश केस और मॉडल टाउन लीगी ऑफिस जलाने के केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। पुलिस ने 6 मुकदमात में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को शामिल तफ्तीश करने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जा रहे, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का खिताब। कहा, जो अनासिर समझते हैं हमारा तर्ज ज़िंदगी बदल देंगे, उनकी गलत फहमी है। शहदा ने अपना सब कुछ हमारे आज के लिए कुर्बान किया। रियासत का काम अपने लोगों को तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करना होता है। जो अनासिर समझते हैं बज़ौर शमशीर हमें कमज़ोर करेंगे, वो खुश फहमी का शिकार हैं। मुल्क का इख्तियार और इंतज़ाम बासलाहियत लोगों के हाथों में है। हम मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का गरीब आवाम की जेबों पर डाका, बुलंदोबाग दावे, बड़े पैमाने पर तशहीर, ज़मीन पर कुछ भी नहीं। पेशावर शहर के नाम पर पेशावर से कोसों दूर सिटी हाउसिंग सोसाइटी। सिटी हाउसिंग सोसाइटी ने NOC के बगैर ही आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सिटी हाउसिंग का NOC 9 प्रोजेक्ट्स के नाम पर है। इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहायशी मंसूबों की जन्नत बन गया। इस्लामाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की तादाद 185 हो गई। जोन 1 में 24 रिहायशी मंसूबे और हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी करार। जोन 2 में 7, जोन 3 में 15 हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी करार। जोन 4 में सबसे ज्यादा 110 हाउसिंग सोसाइटियां गैर कानूनी हैं। जोन 5 में 29 रिहायशी मंसूबे गैर कानूनी करार। CDA के मुताबिक NOC की मंजूरी के बाद ही कोई भी हाउसिंग सोसाइटी प्लाट बुकिंग या फरोख्त कर सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन, रिटायर्ड सरकारी अफसरान मुश्किल में फंस गए। पेंशन के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से रकम वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने BIS की दरख्वास्त पर तमाम इदारों को कार्रवाई की इजाज़त दे दी। FIA, पुलिस, रेंजर्स, FC, कोस्ट गार्ड समेत 17 इदारे शामिल। तमाम इदारों में रिटायर्ड मुलाजमीन की प्रोफाइलिंग की जाएगी। दोनों तरफ से रकम बटोरने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। रानीपुर में पीर की हवेली से 20 साल लड़की सना के लापता होने का मामला DIG जावेद जस्कानी कहते हैं, वज़ीर-ए-आला सिंध के नोटिस पर जेर हिरासत पीर सोहेल शाह से तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश में पीर सोहेल शाह ने एतराफ किया, पुरसा लड़की को हवेली छोड़कर गए। लड़की हवेली से फरार हुई, सोहेल शाह ने अहले खाना को इत्तला दी। डाकों की सोशल मीडिया पर धमकी की एक और वीडियो जारी। एक और मुरीद डाकू मुलजिम असद शाह के हिमायत में बोल पड़ा। कहा, जो भी सहाफ़ी सैयद के खिलाफ खबर चलाएगा जान से मार देंगे।
पीरों की हवेली और पीरों का जिसने भी नाम लिया उसकी खैर नहीं। डाकुओं ने हाथों में जदीद हथियार लेकर वीडियो बनाई। SSP खैरपुर को भी असद शाह के खिलाफ कार्रवाई ना करने की धमकी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची में फीस बढ़ाने का मामला यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुज़ाकरात के जरिए तलबा को एहतजाज खत्म करने पर आमादा कर लिया। फीसों के फैसले पर नजरसानी के लिए कमेटी कायम। कायम मकाम वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन कहते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी की फीस अब भी मुल्क की तमाम जामियात के मुकाबले में इंतहाई कम है। नेपरा और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है, बोझ आवाम पर पड़ रहा है, मिडिल क्लास लोग कहाँ जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिजली के बिल आने पर लोगों के होश उड़ गए, दानिशवराना बातें भूखे लोगों को समझ में नहीं आती। जुल्म खत्म ना हुआ तो माशरे को कोई संभाल नहीं सकेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म ने चौधरी अनवारुल हक को कश्मीर के लिए गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिलाया। कहा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल की जद्दोजहद में हम उनके शाना बशाना खड़े रहेंगे। जलील अब्बास ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के हुसूल की यकीन दहानी कराई। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के रहनुमा भी मुलाकात में मौजूद थे। महकमे पुलिस आज़ाद कश्मीर में उखाड़ पिछाड़ DIG पुलिस डॉक्टर लियाकत, DIG रिजर्व रेंजर्स तायुनात, DIG खालिद महमूद सेक्रेटरी सयाहत इरफान मसूद, DIG हेडक्वार्टर्स तायुनात, महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यौनान कश्ती हादसा, एक और इंसानी स्मगलर गुजरात से गिरफ्तार। इंसानी स्मगलर ने 12 लाख रुपए के एवज नईम नामी नौजवान को कश्ती के जरिए यूरोप भेजा। नईम यौनान कश्ती हादसे में जांबहक हो गया। मुल्तान में भी FIA ने लंदन वीजा का झांसा देकर लोगों को लूटने वाला 5 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। पांचों मुलजिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कराची के इलाके कीमाड़ी कॉलोनी में पुलिस का डाकों से मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकार सीने में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। तिब्बी इमदाद के लिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जांबर ना हो सका। कराची गुलशन हदीद में नामालूम मुलजमान की फायरिंग से एक शख्स कत्ल, शहरी बीवी के साथ जा रहा था, मुलजमान ने गोलियां चला दी, मुलजमान फरार। पुलिस के मौके वाके इब्तदाई तौर पर जाती तनाजे का लग रहा है। बरक्स रहनुमाओं का 6 नए मुल्कों की तंजीम में शामिल करने का तारीख ऐलान। ईरान, सऊदी अरब, अर्जेंटाइन, मिस्र, इथोपिया और मुतहदा अरब अमारात ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। नए अरकान की बाज़ाब्ता रुकनियत 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एशिया और वर्ल्ड कप से कबल सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई गैर आइनी इकदाम ना उठाया जाए जिससे कौमी टीम की कारकर्दगी मुतासर हो। सरफराज नवाज का निगरान वज़ीर आज़म को खत, कहा ज़का अशरफ PCB में आने से पहले अपनी सियासी पोजीशन ख़त्म कर चुके। वजारत IPC के डिमांड पूरी ना करने पर PCB सरबराह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जज्बात को अल्फाज का रूप देने वाले अहमद फराज की बरसी, लतीफ जज्बों के पुरअसर इजहार की बदौलत आज भी जिंदा। शायरी को नई जहतों से रोशनास कराया, हसास और इनकलाबी शायरी से मद्दाहों के दिलों पर राज किया। 25 अगस्त 2008 को जहाने फानी से कूच कर गए।